Hello students, good morning to all of you. First of all, welcome back to Sunil Classes. This is Anil. So today we are here to initiate a new class and new chapter, you can say reproduction in plant. Okay, seventh class science, reproduction in plant. Okay, I hope you will understand very well and definitely I will try to give my 100%. And today I also repeatedly telling you that please don't skip my videos. Okay, just wait till last. Okay, nah? So definitely you will understand and you know that last Sundays you just supporting us very much, and for that reason thank you so much for that, and I hope you will support me. Okay, again, so anyway, we will start our chapter reproduction and plants. Okay, now stay positive. Okay, bye bye. तो आज आम पढ़ा रिप्रोडक्शन एंड प्लांट। एक्चुअली प्लांट मैंने केमी रिप्रोडक्शन करते पे कह गोटे बड़ प्लांट रु आ गोटे प्लांट केमी बर्न होके आज बस से प्रोसेसटा हुई आज बुझा रिप्रोडक्शन एंड प्लांट। एक्चुअली प्लांट केमी रिप्रोड्यूस करती ठीक अच्छे चलो ना स्टार्ट करवा। ओके, टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पाखे क्यों गुण अच्छी निज भाया आउ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर स्किल प्रोड्यूस कर गुण सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पाखे अच्छी। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दिस क्लास सिक्स। एक्चुअली आम मैंने क्लास सिक्स सब जिनस बहुत बढ़िया से पाठ पढ़ते द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। एक्चुअली रिप्रोडक्शन कौन ना पेरेंट्स सेल तो गोटे न्यू इंडिविजुअल बर्न हाँ को ही रिप्रोडक्शन कहते। ओके, जमी आम मैंने फादर मदर को जमी आम बर्न होती तो ये प्रोसेसटा को ही तो रिप्रोडक्शन कह जाऊला। ओके ना, देन बट हाउ टू प्लांट रिप्रोड्यूस। एक्चुअली ये क्वेश्चन टा भी तो माइंड में आसुच्छी ना, एक्चुअली प्लांट केमी रिप्रोड्यूस करते एबे टिके पूर्वर आम पढ़ने पर सब लिविंग ऑर्गेनिज्म मान पाखे ए प्रकार स्किल अच्छे से प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करें। सो प्लांट भी आसुच्छे ना आम लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर। देर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट व्हिच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। एक्चुअली प्लांट रम बहुत मानते बहुत तो नुह प्लांट किसी मोड्स अच्छे रिप्रोडक्शन कर जोटा कि आम ए चैप्टर आज आम पढ़ा। ओके, लेट्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आज पढ़ा। ओके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा। इन क्लास सिक्स यू लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग पार्ट्स। एक्चुअली क्लास सिक्स कौन पढ़ते ना फ्लावर विभिन्न प्रकार पार्ट्स विषय में पढ़ते ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ इच। ये कौन कह सब जगह चेष्टा कर सब प्लांट रो फ्लावर थी जो मैंने प्लांट विषय जो पढ़ी सिक्स क्लास में सब गुड़ाक बाहर करके जो तार पार्ट्स गुड़ाक बाहर करके लिख आउ से फंक्शन सबुर पार्ट्स फंक्शन विषय लिखा ट्राए कर चेस्टा कर रईट चेस्टा कर अर्थ स्किप करदे हमने ट्राए कर। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट स्टेम एंड लिव्स। ये तो आम जानते जो अधिक गचर कौन थाए रूट थाए स्टेम थाए आउ लिव भी थाए चेर कांड एंड पत्र थाए एंड दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट। एक्चुअली ये एग्जाम पढ़ाई इंपोर्टेंट जिस व्हिच पार्ट्स इज नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट्स इन प्लांट्स। ओके, देन यू विल राइट देयर रूट स्टेम एंड लिव्स। ये तीन टा जगह कौन हो वेजिटेटिव पार्ट इन प्लांट। आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर। एटा में कौन बोले ना किसी दिन पर मैक्सिमम फ्लावर में कौन करती ना फूल फूल दिखती बियर फूल जन्म करती राइट। सो आम कौन जानते यू मे हाव सीन मैंगो ट्री फ्लावरिंग स्प्रिंग। आम जानते मैंगो ट्री के फ्लावर दिए आंब गचर बोल के आसे बसंत ऋतु आसे इट इज दिस फ्लावर दैट गिवन राइज टू जूस मैंगो। एटा से फ्लावर टा जोटा कि आमको जूसी मैंगो प्रोवाइड कर फ्रूट वी एंजॉयिंग इन समर जोटा कि खरा दिन आम जो फल आंब खाऊँ से आंबा कौट आस तो फूल हुई आस ओके वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। एक्चुअली आम से फ्रूट आंब खाऊँ आंब खाला तार से मंजीटा आम कौन करते फोपाड़ दूसरी बाहर कर दूसरी ना। सो दिस सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट। एक्चुअली से सीड ही कौन करू प्लांट को जर्मिनेट कर राइट नुआ प्लांट को कौन कर
जर्मिनेट करुछि बा नुवा प्लांट को जन्म दउछि एटा हि तार से सीड हि तार को कला एते प्रोडक्शन रो हेल्प कला ना नै ओके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स एक्चुअली हम जानिबा जे फ्लावर रो फंक्शन प्लांट रे फ्लावर रो फंक्शन कोन ओके फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन रिप्रोडक्शन इन प्लांट फ्लावर रो फंक्शन कोन फ्लावर रो काम कोन प्लांट रे से रिप्रोडक्शन रे हेल्प करछि एटा बहुत नेसेसरी आ बहुत इंपोर्टेंट जेंचोटा जोटा कि एग्जाम रे पड़िबो ओके माने प्लांट रो को पार्टटा रिप्रोडक्शन रे हेल्प करछि से लिखिया पड़ो प्लांट रो फ्लावर बेसिकली हेल्प टू रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन ओके फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट तो जदी फ्लावर जदी रिप्रोडक्शन पे हेल्प कला तो फ्लावर कौन हो गुड रिप्रोडक्टिव पार्ट हो डेफिनेटली दीज आर सेवरल वे बाय व्हिच प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग एक्चुअली एडे बेसिकली विभिन्न प्रकार वेज अछि जो वेज माध्यम रे प्लांट्स तंकर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करन जो ऑफस्प्रिंग माने कौन इंडिविजुअली न्यू गटर एलिमेंट राइट तंको प्रोड्यूस करनती दीज आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स से मानको केते भागर कैटेगराइज करै छै ना दुई भागर कैटेगराइज करै छै ओके वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडा तो बडे सहज ना मन रहियो प्लांट्स माने बेसिकली केते भागर केमिति रिप्रोडक्शन करनती केते भागर रिप्रोडक्शन होनती देयर आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स वन इज एसेक्सुअल एंड अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ओके सो आज हम जानिबा इफ asexual reproduction plant can give rise a new plant without seed okay ejo chuna mon rakho asexual reproduction de kon hochi na plant kon hochi raise hochi ba plant boduchi bina manji re modhyo asexual reproduction re plant body paribo where in sexual reproduction the plant new plant are obtained from seed ओके एडु कोन बुझे आमे जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट केमि दउछि ना मंजीरु तेरु मंजीरु गोटे नुवा प्लांट डॉन होछ ओडे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ताको मंजीरु रिक्वायरमेंट ही नै जे कोन से पार्ट गोटे पदे बन नै दउछ ठीक अछि सो आमे कोन बुझले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बुझले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोन थिले पिल माने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे सीड रो कोन से रिक्वायरमेंट पडुनि तार तो बिना मंजीरे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने जर्मिनेट होउछ बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक तार ऑपोजिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे मेंडोटेरी रे कोन सीड होउछ मेंडोटेरी माने विदाउट सीड रे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केबे मध्ये संभव नाही ओके तो नेक्स्ट कोन देखिबा नेक्स्ट देखिबा जे पहिली कोन कहउछ अकॉर्डिंग टू पहिली थॉट पहिली थिंक दैट न्यू प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड पहिली कोन कहउछ जे न्यू प्लांट सब बेले केउतरे ग्रो होवे ना सीड रे ग्रो होवे बट सी नेवर सीन द सीड ऑफ सुगर केन पटाटो रोज किंतु से केबे कार 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 सीड देखिनी सुगर केन आखरो सीड देखिनी पटाटो आलूरो सीड देखिनी एंड गुलाब रो मध्ये से केबे मध्ये सीड देखिनी सी वांट टू नो हाउ दीज प्लांट रिप्रोड्यूस से कोन चाहू जी जे ए प्लांट माने केबे रिप्रोड्यूस कर जोंदी मु तो जहा देखि छी मंजर रु प्लांट ले रिप्रोड्यूस करंती बट सीड रु जर्मिनेट करंती बट से केबे जानिनी जे ए प्लांट माने केमिति रिप्रोड्यूस करंती राइट सो चलो एबे आर डाउट मध्ये क्लियर कर देबा पहिली रो पहिली कोन रो थिंक करथुला ओके चलो एबे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू प्लांट केमिति प्रोडक्शन प्रोड्यूस करंती ना विदाउट सीड प्रोड्यूस करंती ना निजर सो मुए बेडी के पूर्व तो वो डिफरेंशिएशन ला कहिदिले तो एटा हम पढ़ दिजन राइट तो एबे देखबे वेजिटेटिव प्रोपगेशन मु वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कहला पूर्व मु कहू छी एक्चुअली हमर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एटा होछ कोटा टाइप ओके वेजिटेटिव प्रोपगेशन एटा बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे एटा पचाउ छी ओके सो एटा कोन पिले एटा होछ इट इज द टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए कोधरे होछ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो गोटे टाइप इन विच ऑफ बिकॉज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कमिंग अंडर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट सो इन व्हिच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कोथ्रू प्रोड्यूस होती रूट स्टेम एंड लीफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन रे न्यू प्लांट क्यों टू प्रोड्यूस हेबे ना सी रूट्स टू प्रोड्यूस हेबे स्टेम एंड लीफ एंड एडो गुडा हमर एक्स्ट्रा आसी बॉड एबे टिके पूर्व हमें पढ़थिले ना वेजिटेटिव पार्ट्स पढ़थिले ना नै ए साइड देखो हमर वेजिटेटिव पार्ट्स तो रूट स्टेम लीव्स को हमें कौन कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं राइट तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन
ये कोथ्रू प्रोड्यूस हबा से रूट्स स्टेम एंड लीफ अ बॉड्स माने प्लेटा कोड ठीक अछे आगु हमें पढ़ी बाइडा कौन सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट यदि वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट रो यदि रिप्रोडक्शन किछ हैला ताले चको हमें कौन कहबा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहबा मु आशा करछु तुम बुझी परथु एटा बढ़िया से राइट सो डोंट वरी वी विल डिस्कस इट ब्रीफली राइट जो खाली टिके कंसंट्रेशन रे टिके बुझाव चेष्टा करो आई विल ट्राई टू ओके डिफाइन नो बेटरली ओके सो चलो नेक्स्ट टाइम हम कौन पढ़िबा एक्टिविटी 8.1 ना देखि दबा ओके एक्टिविटी 8.1 देखले कोन छै कहै छै गॉट ए ब्रांच ऑफ रोज एंड चंपा गोटे गुलाब फुलर गछ नले गोटे चंपा गछ ओके गुलाब फुल गछ नले चंपा गछ रे गोटे ब्रांच को कट कर दे तले कट विथ ए नॉट नॉट रो अर्थ तार नॉट कोन जन छै जो हमरो देखो एटा मन कर हमरो रोज प्लांट राइट रोज प्लांट तो हमरो नोटिस करथु ए साइड रे सब हमरो टिके बॉड बड़ा था एंदी जोड़ की ब्रांच ओरिजिनेट हुए बा ब्रांच बाहर है राइट इट स्टेम बाहर ना सो हम कोन करे पड़े ना एमिते नॉट थिबो से हम को कट करी हम से कट करी की एक एग्जांपल टा हम करबा ओके कट ए ब्रांच ऑफ रोज ओके और चंपा विथ ए नॉट दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्मड ए कटिंग तक कोन कटिंग कर बुरी द कटिंग इन द सॉइल तक कोन कर बुरी कर दियो बुरी अर्थ कोन बिले पोती दोबा तक पोती दियो ओके कोथरे सॉइल रे पोती दियो ए नॉट इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच एट व्हिच लीफ आर एक्चुअली नॉट कोन थिला नॉट जदी बोले से बुझनो त ना बुझो नॉट होची गुड नॉट रो अर्थ होची एक्चुअली बॉट ओके कली जाको हिंदी रे बोलदी ओडिया तक कोड़ा बोलु पाजे ओके नॉट भी होची फुलर कोड़ा नो एटा फुलर कोड़ा भाबियो एटा होची हमर अलग बामे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बा हमें एबे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे फुलर कोनोसी रिक्वायरमेंट आके नाही ओके तबे फुलर को हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे बुझी अबे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रे पूरे माने हमर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपर डिस्कस करचो राइट सो एटा हमर जो फुलर अछि एटा हमर कोन कहै छी ए नॉट इज ए पार्ट ऑफ स्टेम एक्चुअली नॉट ता कोन गोटे स्टेम रे गोटे पार्ट ओके एरो स्टेम रे पार्ट जुड़ की हमर ब्रांच ओरिजिनेट होछि ओके एट व्हिच लीफ अरेज अ वेट कोन हो लीफ अरेज हो इट डेफिनेटली द लीफ अरेज हो ना चलो हमें सेपरेट ओडे हमर ड्राइंग अछि हमें सेड कर देबा ओके तो एतिक हमें बुझवले जे इट कोन हो नॉट रू ही लीफ अरेज हो छि राइट टेक द कटिंग एवरीडे एंड ऑब्जर्व इट्स एक्चुअली कोन हो छि ना हम सब वेले ऑब्जर्व करियो पड़ियो हम जो वाटर दे दी पानी दे दी तब हम करे ऑब्जर्व करियो पड़ियो ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स to come out actually amu kon kon study kare pade se observe kare pade je root kete din ra asuchi root kete din pare se kon ho je root kete din pare se bahar chabu se da observe kare pade okay apan observe kare pade and new leaves to arise au patra kete din re asu je ame se ko record re note down kariba okay eta au kon koichi try the same activity by growing money plants in a jar e same activity ta au kon try kare koichi मनी प्लांट गोटे ट्रांसपेरेंट जार नब एंड से गोटे मनी प्लांट रख तार आर ग्रुप रेकर्ड को ऑब्जर्वेशन करके ओके एंड रेकर्ड योर ऑब्जर्वेशन राइट सो एबे तुम ए ड्रॉइंग में तुम देखी पार नॉट देखो नॉट हूँ नॉट देखी दिखाई नॉट राइट एटा स्टेम गोटे स्टेम रु बाहर थी ना तो पे देख ये बॉल कह जाए ओके एडे एक्सेल अछि जोडे हमें पढिबा गोटे फ्लावर हमें आगुडी जाके पढिबा ओके यू मस्ट हैव सीन फ्लावरिंग बट डेवलपिंग इनटू फ्लावर हमें कोन देखि छनि जे फ्लावरिंग बॉड रो कोन डेवलप होछि ऑब्वियसली फ्लावर डेवलप होबो और जो बॉड रो से डेवलप होबो ना तो हमें जान छन जे फ्लावरिंग बॉड रो कोन डेवलप होछि ना फ्लावर डेवलप होछि अपार्ट फ्रॉम फ्लावर फ्लावर बॉड्स देयर आर बॉड्स इन द एक्सेल एक्चुअली देयर आर फ्लावर बॉड्स हमें कोन बॉड्स माने फ्लावर रही अछि हम जान छन तबे फ्लावर बॉड्स को जदी हम माने नोटिस करबे ने ताले देयर आर बॉड्स इन द एक्सेल एट कोन अछि ना एक्सेल बोली गुड वर्ड बेटा आसला कोन आसला एक्सेल बोली गुड वर्ड आसला से एक्सेल ता कोन हम बोल से बुझियो पड़े व्हाट इज एक्सेल राइट ठीक अछि ओके देयर आर बॉड्स इन द एक्सेल ऑफ लीफ व्हिच डेवलप इनटू शूट एक्चुअली एक्सेल रे कोन होछि ना शूट डेवलप होछि ओके तो अभी सर्वप्रथम आम बुझे पड़े व्हाट इज एक्सेल तो एक्सेल कौन एक्सेल देख ये एक्सेल अच्छे सो एक्सेल कौन तो ये तुम नोट कर एक्सेल रो मीनिंग कौन लिखी चाहिए एक्सेल रो मीनिंग अच्छे
a point of attachment of the leaf and the knot. माने लीफ टा हमरा कोड बाहरछि नॉट जर्मिनेट होछि बा नॉट ओरिजिनेट होछि हमें लिप्स कहितले तो लीफ आउ हमरा कोन पिले लीफ एंड नॉट जोड अटैचमेंट इ ताउछि बेसिकली से प्लेस टा हमें कोन कहबा एक्सिल बोली कहबा ओके सो इ देखो हमरा लीफ एटा लीफ हमरा आ एटा नॉट नॉट रे हमरा जो माने जो मझिले जो अछि अटैचमेंट इ गछि एटा हमरा कोन कहबा एक्सिल कहबा ओके सो भले से पैराग्राफ एटा पूर्ण थरे पढ दबा ठीक अछि चलो अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल एक्सिल कोड पिले पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव्स एट द नॉट एक्चुअली लीव्स और नॉट जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था जो भी फिगर रे के पूर्व देखोथिले सेटा को एक्सिल कहा जाए राइट ऑफ द लीफ व्हिच डेवलप इनटू शूट एक्चुअली शूट कोन कहितिले मो सपोज एडा हमर कोन एडा सोइल माने एडा ए पडे से रूट और जहां प्लांट रो ऊपर रहबे से सब कोन शूट तो बेसिकली एक्सेल कोडे डेवलप होची ना एक्सेल सूट रे डेवलप होची राइट आई होप तुम मेरा बुझे करतो बोले से ओके नेक्स्ट दीस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स ए बर्ड्स को मानको कोन कहजे वेजिटेटिव बर्ड्स कहजे मो कोन कहितली वेजिटेटिव बर्ड्स रे पिले फ्लावर रो कोनोसी काम नै राइट तो फ्लावरिंग बर्ड एंड वेजिटेटिव बर्ड बर्ड हैज लॉट्स ऑफ डिफरेंट राइट सो वेजिटेटिव बर्ड होजु गुडे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड पार्ट आउ फ्लावरिंग बर्ड होजु गुडे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो पार्ट राइट तो वेजिटेटिव बर्ड रे हमर एक्सिल आस्तुला जोडा कि तमे बुझी परथियो बढ़िया से ए बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम एक्चुअली कोन ए बर्ड माने वेजिटेटिव बर्ड रे कोन ना छोट छोट स्टेम थाउछि जेमिते हमर एठे राइट जेमिते छोट छोट कोन थाए स्टेम थाए ए माने बगैर कंसिस्ट कोन थाए छोट छोट स्टेम रहि थाए एंड इट्स अराउंड व्हिच इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स इज प्रेजेंट ता चतुर्पार्श्व कोन थाए ना छोट छोट पत्र थाए राइट वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव रेज टू न्यू प्लांट ओके सो हमर एमेदी मध्ये प्लांट रो माने एबेदी मध्ये हमर कोन वेजिटेटिव बर्ड्स रो नुवा प्लांट जर्मिनेट हे परिबे ओके एतिर मध्ये न्यू प्लांट जर्मिनेट हे परिबे ठीक अछि ओके नेक्स्ट हमें एक्टिविटी 8.2 स्टडी करबा राइट टेक ए फ्रेश पोटैटो बट ए फ्रेश पोटैटो नियो ऑब्जर्व द स्केयर स्केयर माने होछि बिला गाटो ओके तब कोन कोन गुडा पोटैटो न माने तमे ऑब्जर्व करियो ए टाइप रो पड़थि माने सेट स्केयर सो पाइयो त दागो सो पाइयो एटा हमर जेमिते दागो अछि राइट ओके नेक्स्ट कोन ओके ऑन इट्स विथ द हेल्प ऑफ मैग्निफिसेंस मैग्निफाइंग ग्लास माध्यमरे जे तमे नोटिस करबो त तमे से स्केयर देखा जइबो स्केयर माने कोन कहिलु मु तमन मु स्केयर्स माने छै दागो राइट यू मे फाइंड बर्ड से तमे कोन पाइबो मे बि तमे से बर्ड पाइबो माने बर्ड मिलबो तमन को दिस स्केयर आर आल्सो कॉल्ड आइस और से मानो को आइस मतलब आइस बोली कहा जाए ओके माने ए जे तुम देखिलो जो दागो गुडा को तुम पाइबा ए गुडा को आइस बोली मतलब कहा जाए ओके ठीक अछि नेक्स्ट कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन एक्चुअली हमर एग्रीकल्चर रे हमर जो फार्मर माने अछले ताके हमर पोटैटो फार्मिंग केमिति करनते माने ताको पाखरे जेतिकि भी से आलू रो जाको बल स्केयर थिबो बा दागो दागो चिन्ह थिबो जोडो के आइ बोली कहा जाए से सब के लगे काट दियोंती राइट जेमि सब सब कटा कटा पीस रे आइ रो गोटे गोटे स्केयर थिबो ओके तापर ताको लेके ताके कोन करते माटी दे पोत दियोंती तापर सेथरु पूर्ण करे न्यू प्लांट जर्मिनेट होए बस से प्रकार से कोन कोछि कट द पोटैटो एंड स्मॉल पोर्शन दबो स्मॉल स्मॉल पोर्शन कर द ईच विथ एन आइस किंतु सब जगह रे गोटे गोटे आइस थिबो बा आखी थिबो बुरी देमे इन द सोइल ताको कोन कर दियो माटी रे पोत दबो व्हाट इज द पीस रेगुलरली आ ताको पानी रेगुलरली दबो फॉर फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व द प्रोग्रेस व्हाट यू फाइंड सेट कोन करबा ना ता प्रोग्रेस को लक्ष्य कर आ तमे सेटा कोन प्रोग्रेस रे पाइला सेटा को कौन करिवो ऑब्जर्व करिके एमे जे रोड रिकॉर्ड मेंटेन करिवो राइट सो नेक्स्ट कौन कोइ छी नेक्स्ट कोइ छी लाइकवाइज यू कैन आल्सो ग्रो द जिंजर एंड टर्मिक एक्चुअली अदा आउ हल्दी को मध्ये तमे ए प्रकार जर्मिनेट करके ग्रो करि पारिबो ओके सो नेक्स्ट हम कौन पढिबा ब्रायोफाइलम पढिबा राइट प्रे ब्रायोफाइलम ब्रायोफाइलम कोन कहो छी स्पोर्ट लीफ प्लांट मध्ये कहा जाउ छी ओके ब्रायोफाइलम हैज बर्ड्स इन द
मार्जिन ऑफ लिप्स एक्चुअली बायोफाइलम रे लिप्स कोन थाए बायोफाइलम रे हमर बड्स कोन थाए मार्जिन रे थाए जेमि हम बायोफाइलम रे हमर गोटे देखिबा हमें सेटा होचे हमर नेक्स्ट पेज बोथ अछि देखो एडा होचे हमर बायोफाइलम राइट सो तमने एडा नोटिस कर परथो एडा मार्जिन अछि ना देखो एडा मार्जिन अछि एडा मार्जिन अछि ना ओके मार्जिन रे कोन अछि गोटे गोटे बड अछि राइट बेसिकली बायोफाइलम रे एमिति बड देरे हम राइट सो हम एटा कोन पढ़थिले ब्रायोफाइलम को आउन कौन कहते स्प्रोट लिप प्लांट कौन था इट इज बॉड्स इन द मार्जिन ऑफ लिप्स हमें सपोर्ट देखिले मार्जिन ऑफ लिप्स सेट कौन था ना बॉड था ओके इफ ए लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल इन ए मॉइस्ट ओके इन ए मॉइस्ट सॉइल सॉइल ईच बॉड कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट जदि गोटे जगार जब पा फाणी थी मैंने पा संसदिया पा थी जब से जगह जब से लिफ्ट जब मन कौन भी बड जब तले पड़गला तेल से कौन हम न्यू प्लांट जर्मिनेट हम राइट रुट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन अल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट आउमी बहुत प्लांट्स अच्छा जो मान रुट्स रूप न्यू प्लांट जर्मिनेट हुए ओके लाइक फर एक्जाम्पल स्वीट पटाटो एंड डलिया फॉर एग्जांपल एक्चुअली आर एग्जांपल कौन स्वीट पटाटो बा डलिया होचंदे आर गोटे गोटे एग्जांपल जो प्लांट मैंने रूट रू न्यू प्लांट जनरेट होती और जो तुम्हें स्वीट पटाटो एंड डलिया विषय जानवाक चाहूच यू शुड विजिट गूगल ओके गूगल विल प्रोवाइड द फोटोस ऑफ स्वीट पटाटो एंड डलिया राइट ओके नेक्स्ट प्लांट सच एज कैक्टस प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन द पार्ट्स इज गेट डिटैच्ड एक्चुअली कैक्टस हो चुकी है कैक्टस देखी चो कैक्टस बोले गोटे हमर प्लांट अछि जोटर की सिंगुलर फॉर्म हो चुकी कैक्टी राइट सो प्लांट सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट एक्चुअली कैक्टी मध्ये न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर छि केतरो प्रोड्यूस कर छि जेतला तार तार कोनसी पार्ट कोन हो डिटैच्ड हो जीवो काट डिटैच्ड हो जीवो तिरस्कार हो जीवो डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी मेन प्लांट ऑफ द बॉडी जदि मन कर से प्लांट रो कोनसी पार्ट जदि डिटैच हो गेला तले से कोन करबो न्यू प्लांट कोटे कैक्टस हमर न्यू प्लांट से जर्मिनेट हो ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट जेतुरा भी जो जिंस से तु मन कर रिमूव हे की बाहर पड़ते हो समस्त कोन है गोटे गोटे न्यू प्लांट रे जर्मिनेट होई परबे ओके एबे हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहुंचो ठीक है ना कंसिस्टेंसी रे बुझे चेष्टा कर समस्त नेम हमर नेक्स्ट हमर कोन आसला बुझो कौन कौची बुझो कौची बुझो वांट टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये जाने चाहूची जे वेजिटेटिव प्रोपगेशन रो कोन एडवांटेज अछि कि एमेदी किछ एडवांटेज अछि कि जोडे वेजिटेटिव प्रोपगेशन रो बेनिफिशियल हे परबो यस वेजिटेटिव प्रोपगेशन मध्य एडवांटेज अछि तो कोन कोन एडवांटेज अछि चलो देखिबा एडवांटेज कोन कोन अछि एडवांटेज होछि प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो बहुत कम समय मध्य रे ये कोन करबो बड़ हो पार एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट मैंने आमर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गोटे प्लांट सीड रु जर्मिनेट होधिक कम समय भितर वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट फूल दे पार और फल अर्लीअर देपर अर्लीअर देन दोज प्लांट फ्रम सीड मैंने सीड रु जो प्लांट होता अर्लीअर आमको वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो प्लांट रोचे मैंने सी अधिक जल्दी डेवलप कर पार रईट तो यहाँ गोटे आम कौन है डेफिनेटली यहाँ गोटे आम कौन है एडवांटेज है ओके सो आउ कौन कर न्यू प्लांट्स आर एक्जाक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स प्लांट्स ये जो न्यू प्लांट्स आसो पेरेंट्स एक्जाक्ट मैंने कौन प्रकार वेरिएशन देखने को मिले ना कि सीड रू जर्मिनेट है आपको वेरिएशन देखने को मिले कहीं आम जानते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स सेल जो डॉटर एलिमेंट को जो सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है से किसी ना कि वेरिएशन देखने को मिलता है किंतु आम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन प्रकार वेरिएशन देखने को मिले से कौन हो न्यू प्लांट कॉपी एक्जाक्टली तार गोटे पेरेंट सेल कॉपी गोटे से बनी पार इज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स से मैंने सिंगल पेरेंट्स रू से प्रोड्यूस करें ओके लेट द चैप्टर यू विल लर्न आम कौन पढ़ा द प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के पाठ पढ़ा राइट
है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स और से मानकर पेरेंट्स मानकर भी भूमिका था इसे भीतर प्लांट प्रोड्यूस सीड एज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड थ्रू प्लांट कौन करे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन करे राइट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब मेन भूमिका कौन रोज सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब मेन रोज सीड ओके जोटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट सीड राइट सीड राइट सो नेक्स्ट कौन आम सो थैंक यू सो मच आज बहुत समय होगा 20 मिनट्स रिडियोगला सो आम बोर्डिंग मेथड प्रोजेक्ट करवा आमर आम कौन कौन पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आम कौन कले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन कौन डिस्कशन कले एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन थी राइट आम कौन पढ़ले ओके तो आम कौन पढ़ले कड़े ठीक अच्छे आम 8.2 एंड 8.1 एक्टिविटी को डिस्कशन कले राइट सो मुझ आशा करती समस्त बुझा पड़ थी किसी प्रोब्लम ना जब न बुझा पड़ी किसी इश्यू ही नहीं कमेंट सेक्शन गोटे कमेंट रिक्वायरमेंट रोज डेफिनेटली मुझे ट्राए करी कन्फ्यूजन को दूर करने बहुत बढ़िया से ये ब्रीफली बुझे आई होप तुम समस्त बढ़िया से बुझ सो थैंक यू सो मच सुनील कैसेस को सब्सक्राइब करने को जमा भूल थैंक यू।